ये देखो बस, मतलब छोटा मोटा बस स्टैंड, और फिर इधर बस्ती है गाइस, मतलब काफी अच्छा नज़ारा है ये देखो इधर का। और फिर इधर से देखो ना, ये देखो मतलब क्या ही मस्त वाला सूर्य का नज़ारा है, बादल भी है प्लस मौसम भी काफी मस्त लग रहा है, बादल नहीं है तो। और फिर वहां पे देखो स्विमिंग पूल, तो मैं तो गाइस काफी सारा स्विमिंग पूल में नहाया हूँ, बट अभी भी मेरे को नहाने का मन कर रहा है, लेकिन अपन लोग कल वाटर पार्क जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर देखो गाइस उससे लड़की का सामान आया जो कि तिलक में जाता है, और फिर वो अपना R15 गाइस देख रहे हो, मतलब काफी मस्त लग रहा है, अपना डिसेंट लुक देता है बाइक। और फिर गाइस ये देखो यहाँ पे आइसक्रीम बनती है, ये मतलब आइसक्रीम बनने का ना प्रोसेस काफी तगड़ा वाला होता है यार, मतलब काफी। सो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए और हमारे वीडियो देख रहे हो गए। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ कहीं पे, लाइक राजगीर में आ चुका हूँ, अभी शादी में आया हूँ, तो शादी तो होटल में ही है, और फिर अभी होटल में हम लोग स्टे किए और फिर यहाँ से रात में शादी हुई गाइज। ये शादी लड़की का है गाइज, ये मंटू का भगनी का है, मतलब हमारी भी भगनी हुई तो उसी का शादी में आया है। और फिर कल अपन लोग सोच रहे गाइज वाटर पार्क जाने का, क्योंकि अभी तो रात में यहीं पर अपने को रहना पड़ेगा, तो कल अपन लोग वाटर पार्क की ओर निकलेंगे गाइस। तो अभी आपको ना यहाँ का कुछ नज़ारा दिखाते हैं गाइस। ये देखो ये सबसे ऊपर वाला है, यहाँ पे इतना टेरेस अपने को मिला है, और फिर 3-4 रूम है उधर, और फिर इधर का व्यू देखो गाइस काफी तगड़ा वाला। ये राजगीर का बस स्टैंड है, ये देखो बस, मतलब छोटा मोटा बस स्टैंड, और फिर इधर बस्ती है गाइस, मतलब काफी अच्छा नज़ारा है ये देखो इधर का। और फिर इधर से देखो ना, ये देखो मतलब क्या ही मस्त वाला सूर्य का नज़ारा है, बादल भी है प्लस मौसम भी काफ़ी मस्त लग रहा है, बादल नहीं है तो। और फिर वहाँ पे देखो स्विमिंग पूल, तो मैं तो गाइस काफ़ी सारा स्विमिंग पूल में नहाया हूँ, बट अभी भी मेरे को नहाने का मन कर रहा है, लेकिन अपन लोग कल वाटर पार्क जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर देखो गाइस उससे लड़की का सामान आया जो कि तिलक में जाता है, और फिर वो अपना R15 गाइस देख रहे हो, मतलब काफ़ी मस्त लग रहा है, अपना डिसेंट लुक देता है बाइक। और फिर ये रोड, मतलब नज़ारा ना काफ़ी हेवी वाला है, काफ़ी मस्त लग रहा है नज़ारा अपने को, तो यही कुछ है। और फिर ये अभिषेक क्या बोलता है अभिषेक। और फिर वो गाइज वो देखो पहाड़, तो अपन लोग बहुत जल्द ही गाइज ये राजगीर का जो पहाड़ है ना उसका वीडियो बनाने वाले हैं, अपन लोग बहुत जल्दी राजगीर का पहाड़ का वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट करके ये भी बताना गाइज कि आप लोग को राजगीर का पहाड़ का वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो अभी तो बस यही कुछ है गाइज। ये देखो यहाँ पे आइसक्रीम बनती है, ये मतलब आइसक्रीम बनने का ना प्रोसेस काफी तगड़ा वाला होता है यार, मतलब काफी अच्छा सा। देखो उधर जा रहा है आइसक्रीम, बर्फ जा रहा है। अच्छा मेरे को ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे बर्फ बनता है, नहीं आइसक्रीम बनता है, क्योंकि देखो वहाँ पे लगा हुआ ना 2-3 लगा हुआ है, यहाँ पे आइसक्रीम बनता है और फिर बर्फ भी जमता है, काफी हेवी वाला, मतलब काफी अच्छा सा मशीन है यार। दिस गाइस इतना सारा, इतना बड़ा बड़ा बर्फ कैसे बनता है? वो जो दिख रहा है ना ब्राउन कलर का जिसमें पाइप लगा हुआ है, उसमें गाइस बर्फ बनती है और फिर उसको ना नीचे रखने के बाद ऊपर उठाते हैं, तो ये व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, ये बर्फ है गाइस, ये व्हाइट कलर वाला। तो बनने का प्रोसेस काफी हेवी वाला होता है, मेरे को तो पता नहीं, बट हाँ प्रोसेस काफी अच्छा है, और फिर बर्फ भी बन के रेडी हो चुका है यहाँ पे। चारा अभी से अकेला पैक कर रहा है नाश्ता, अभी से खा ले ये मंटू, ये राहुल भाई, अभी से कैसा पैक करी हो, पैक करना था ना, पैक कर ले भाई अच्छे से, अच्छा से पैक करेंगे, एकदम अच्छा से पैक कर रही हो, खराब नहीं होना चाहिए, एक भी पैकिंग खराब नहीं, फ्री का पैसा नहीं लिया है, खराब हो गया तो कुछ 100 रुपये पैकेट लिया है, पूरा एकदम पैक कर देना अच्छे से, एकदम मस्त वाला। ये हमारा सोने का जगह, कैसा लग रहा है राहुल सो के सोने का जगह है, फोन राहुल यूज कर रहा है, और पीछे का जगह ये देखो विंडो के साइड का अच्छा रूम है, काफी बड़ा भी है। और फिर इससे गाइस जयमाला होगा वही छत पे, और फिर ये अपना माइक वाइक, और इधर वॉशरूम है गाइस, और ये मंटू का सेट। तो अभी अपन लोग यहाँ पे रेस्ट करेंगे और फिर देखते हैं क्या सीन होता है।
सो गाइस अभी रात का टाइम हो चुका, मतलब शादी में इतना लेट हो गया ना गाइस, सोच नहीं सकते हो। बोले तो अभी 3:30 हो रहा और अभी ये वाली रस्म हो रही है। इधर लड़का का रस्म चल रहा और फिर एक तरफ लड़की का रस्म चल रहा है। तो बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी गाइस, उसके कारण शादी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। तो थोड़ा सा लेट से सारा कुछ हो रहा है। इसके बाद ना अभी जयमाला होगी गाइस, तो अभी डायरेक्ट जयमाला मिलते हैं। सो गाइस अभी यहाँ पे हो रहा है जयमाला गाइस, क्योंकि बारिश का इतना मौसम खराब था ना गाइस कि 1 घंटे का गैपिंग फिर से हो गया। बोले तो अभी 4:30 से ऊपर हो रहा है और देख सकते हो गाइस ऊपर उजाला हो चुका है। पूरे सुबह के टाइम में जयमाला हो रहा है। इसके बाद 2-3 रस्म और होती है, लाइक 8 मंगरा होता है या फिर 12 मंगरा कुछ ऐसे ही बोलते हैं, वो होता है जयमाला के बाद। उसके बाद फिर और भी कुछ होता है, उसके बाद शादी होती है गाइस। तो अभी अपन लोग जयमाला देख रहे हैं। जयमाला पे लड़का और लड़की दोनों गाइस देख लो, दोनों का जोड़ी ना काफ़ी परफेक्ट वाला जोड़ी लग रहा है मेरे को ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है जोड़ी यार। और फिर बारिश का मौसम ना काफी मस्त लग रहा है, ठंडा ठंडा भी हो चुका है। तो अभी अपन लोग बस देखते हैं जल्दी से जयमाला खत्म हो, फिर और भी कोई रस्म होती है ना वो रस्म को देखेंगे। बट उससे पहले बता दे गाइस कि अपन लोग रात में 1 मिनट भी नहीं सोएंगे गाइस, क्योंकि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ ना गाइस कि सोच नहीं सकते बारिश के कारण। तो अपन लोग 1 मिनट भी नहीं सोए, अपना आंख भी काफी रफ लग रहा है गाइस। और फिर ये देखो मतलब यहाँ पे काफ़ी सारा फोटोशूट, और फिर चारों तरफ ना लड़की लोग के रिलेटिव्स रहते हैं। तो यहीं पे कुछ हो रहा है, बीट क्या बीट है, मतलब इसके बाद क्या होता है। माला ही तो पहनाया जाता है ना, तो मेरे को उतना पता नहीं, बट अभी अपन लोग शॉर्ट में ही बता रहे हैं ये जयमाला हो रहा है। बट देखने में ना काफ़ी अच्छा लगता है, जूम आउट करो ना तो काफ़ी सही है। और फिर मैं गाइस अभी ना चेयर पे खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, और फिर ओपन प्लेस, और फिर यहाँ पे मज़ा भी काफ़ी आ रहा है मेरे को। तो अभी पहले जल्दी से जयमाला हो जाए बस यही मैं चाहता हूँ। और ये देखो बारिश आ रही है, तेज़ बारिश आने लगी गाइस। अभी अपने को ना थोड़ा सा रूम में जाना पड़ेगा क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ आ चुकी है। सो फाइनली गाइस ये देखो बारिश के कारण ना रूम में ही 8 मंगरा हो रहा है। जो बोला था ना मैंने 8 मंगरी या फिर 8 मंगरा होता है, वो रस्म रूम में ही हो रहा है क्योंकि बाहर ना काफ़ी ज़्यादा बारिश आ चुकी है। तो अभी इसके बाद शादी भी होगी गाइज। सो फाइनली गाइज अभी अपन लोग घर आ चुके हैं और अभी रात का टाइम हो रहा है गाइज 8:55, बोले तो 9 बज रहा है। तो अपन लोग शादी के दिन रात में थोड़ा सा भी नहीं सो पाए थे गाइज, थोड़ा सा भी नहीं, 1 मिनट भी होता ना वो भी नहीं सो पाए थे। पूरी रात अपन लोग वैसे ही रहना पड़ा, और फिर सुबह अपन लोग 1 मिनट भी नहीं सो पाए, प्लस खाना वाना भी अपन लोग थोड़ा चस नहीं खा पाए। और वैसे ही अपन लोग गाइज वाटर पार्क के लिए निकल गए, और फिर वाटर पार्क में काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किए गाइस। तो मैं ये वीडियो है ना एक शादी वाली और एक वाटर पार्क वाली दोनों को अलग अलग डिवाइड करके बनाया हूँ गाइस। तो एक पहले शादी वाली वीडियो अपन लोग पोस्ट करेंगे और फिर उसके बाद वाटर पार्क वाली वीडियो पोस्ट करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताना गाइस पहले कौन सी पोस्ट चाहिए, मतलब ये तो एक शादी वाली पहले पोस्ट हो जाएगी ना, इसके बाद वाटर पार्क वाली पोस्ट चाहिए या फिर नहीं चाहिए ये भी कमेंट करके बताना गाइस। तो अभी तो फिलहाल शादी वाली पोस्ट करेंगे। सो अभी अपन लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, आँख भी काफ़ी ज़्यादा लाल हो चुका है गाइस, और अपने को नींद काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो अभी अपन लोग वीडियो ऐसे ही बना दिए हैं, इसको एडिट करेंगे कल और फिर पोस्ट करेंगे गाइस। तो सोच रहे गाइस वीडियो को आज यहीं पे एंड करें। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहना। सो बाय बाय गाइस।